नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता। बुलेटिन की शुरुआत जहां कानपुर से बड़ी खबर आई है। जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही का वीडियो सामने आया। एक मरीज की जान बचाने के लिए परिजन खुद ही जूझते नजर आए हैं। मरीज की हालत नाजुक थी, वेंटिलेटर नहीं मिल सका तो उसने एक परिजन पंप के जरिए ऑक्सीजन देने की कोशिश में जुट गया, जबकि दूसरा परिजन तलवे रगड़ कर उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। ये तस्वीर अस्पताल की पोल खोल रही है। सच्चाई ये है कि यहाँ 6 में से 5 वेंटिलेटर खराब पड़े हैं। जो एक बचा है वो सिर्फ काम चलाऊ है, यानी खाना पूर्ति। पिछले करीब 1 हफ्ते में अस्पताल में ICU में 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। क्या नाम है इनका? श्री विजय बहादुर। ये देखिए, उर्सला अस्पताल का स्टिंग ऑपरेशन है। हकीकत यहाँ पे वेंटिलेटर नहीं है, मरीज ICU में है। देखिए किस तरह से किया जा रहा है। ये हाल है उर्सला अस्पताल का। तो कानपुर का जिला अस्पताल, उसकी तस्वीरें, बदहाली ऐसी है कि वेंटिलेटर नहीं है। ICU में भर्ती होने का क्या मतलब कि जब कभी भी इमरजेंसी सेवाओं की जरूरत पड़े तो वेंटिलेटर 6 में से 5 खराब पाए गए। पंप से मरीज को ऑक्सीजन देने की कोशिश चल रही है। इस तरह की क्या जोड़ तोड़ स्वास्थ्य विभाग को करते देखा जा रहा है, ये सही है? वो भी परिजनों के पर्सनल कैपेसिटी पर। कोई भी स्टाफ इस ICU में नहीं है। देखिए, कहने के लिए इंटेंस केयर यूनिट है, लेकिन यहाँ पर केयर के नाम पे क्या मौजूद है उसका अंदाजा लगाइए आप। एक स्टाफ नहीं है। परिजन खुद बखुद देख रहे हैं कि क्या हालत है। इंटेंस केयर की जरूरत क्यों पड़ती है जहां पर कभी भी किसी भी तरह की इमरजेंसी आने पर ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, ये सारी चीजें हमेशा मुहैया रहे। लेकिन यहां अगर वेंटिलेटर काम नहीं करता है, ऑक्सीजन के लिए कुछ परिजनों को इस तरह से पंप पकड़ा दिया जा रहा है हाथ में, तो क्या मतलब है इस ICU का? ये जिला अस्पताल है और ये ICU है। ना कोई डॉक्टर है, ना कोई मशीन है, कोई नहीं। ये देखिए वेंटिलेटर, ये वेंटिलेटर खराब पड़ा हुआ है। वेंटिलेटर खराब पड़ा हुआ है। कितने घंटे से आप हैं यहाँ पे? कितने घंटे से? कोई आया है? कोई नहीं। ठीक, तो ये बदहाली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रभात अवस्थी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। प्रभात, ये कैसा ICU है? 5 में से 6 वेंटिलेटर खराब हैं। ऑक्सीजन पंप परिजनों के भरोसे चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। कौन देख रहा है इस ICU को? जी बिल्कुल, अगर बताया जाए कि जिस तरह से सरकार जो है स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के दावे करती है, लेकिन अगर कानपुर की बात की जाए तो स्वास्थ्य सेवाओं को वेंटिलेटर की जरूरत है और ऑक्सीजन की जरूरत है। जैसा कि तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि उर्सला जो हॉस्पिटल है, कानपुर का सरकारी अस्पताल है, वहां के ये हाल है। यहाँ पर 5 वेंटिलेटर जो है वो वर्किंग पोजिशन में 6 लिखा पड़ी में यहाँ पर दिए गए हैं। जिस तरह से 5 जो वेंटिलेटर है वो पूरी तरह से खराब पड़े हुए हैं और जो एक वेंटिलेटर बचा है वो भी खराब होने की कगार पर है। वहीं इस बारे में जब पता किया गया है तो ये जानकारी है कि जो जितने भी आला अधिकारी हैं, चाहे वो CMO हो या CMS हो या फिर जितना भी स्टाफ है हॉस्पिटल का, सबके संज्ञान में है ये। और 4 महीने पहले इसके बारे में शासन को लिखा जा चुका है और लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर किसी तरह की कोई भी बदलाव नहीं किया गया। ना ही कोई भी यहाँ पर जो वेंटिलेटर है वो नए मुहैया कराया गया, ना ही जो पुराने वेंटिलेटर है, क्योंकि जैसा कि रिपोर्ट जो है उसमें बताया गया है कि 10 साल से ज्यादा पुराने ये वेंटिलेटर है, तो अब इनको रिपेयर नहीं किया जा सकता है, तो इनको बदला ही जाएगा। लिहाजा सरकार की कान में जू नहीं देख रही है। विभाग जो है वो भी इस पर शांति से बैठा हुआ है, जानकारी के बावजूद भी आंखों में पट्टी बांधे हुए। और जो लोग हैं वो आप सामने देख सकते हैं कि किस तरह से जो लापरवाही है कि खुद ही आपको मल्ला है। आज के वैज्ञानिक युग में आदमी जो है पुरानी परंपराओं पे चल रहा है। वेंटिलेटर जो है बिल्कुल बिल्कुल प्रभात, ऐसी कंडीशन में किस काम का आयुष्मान कार्ड जब वेंटिलेटर ही नहीं रहेगा, ICU में केयर का मतलब ही नहीं है, दूर दूर तक स्टाफ नहीं है। ऐसी बदहाली के बाद आम लोगों के जनमानस में कैसी छवि होगी? बहरहाल आपका शुक्रिया प्रभात तमाम जानकारी के लिए। यहाँ पे वेंटिलेटर नहीं है, मरीज। आगे बढ़ते हैं। मथुरा की छाता तहसील के मुख्य गेट पर उस वक्त भगदड़, चीख पुकार मच गई जब कानून की धज्जियां उड़ाई गई। 2 पक्षों में लाठी डंडों के साथ जमकर मारपीट, 3 लोग घायल हुए हैं।
ये दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है। मथुरा का छाता इलाका है, आपसी विवाद, घमासान और पूरे सड़क पर जैसा माहौल था वो आप देख सकते हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक दलित युवक की पहले तो बुग्गी में बांधकर लाठी डंडों से पिटाई की जा रही है, बाद में युवक को खंभे से बांधकर चमड़े की बेल्ट से पीटा गया। वहीं गांव के लोग तमाशबीन बने हैं। पिटाई के दौरान युवक को बचाने की गुहार वो खुद लगा भी रहा था, लेकिन उसकी चीखें सुनने वाला वहां कोई था ही नहीं। अधमरा हो चुका युवक पानी मांग रहा था, लेकिन पानी की जगह उसे डंडों की मार मिलती चली गई। तो लखीमपुर खीरी से एक वीडियो वायरल होने के बाद ये पूरा मामला सामने आया है, जहां कई तरह के कानून सख्ती के बावजूद भी ऐसी तस्वीरें विचलित करती हैं कि किसी शख्स को इस तरह से पीटने का अधिकार आखिर किसने किसे दिया। ये देखिए, अरे देखो तो हम चेहरा ले लेगा, चेहरा ना सुन नहीं गाओ कुछ नहीं सुन ना ही चलो हरा पीछे लगा तुम। आखिर इन्हें इंसाफ ना इंसाफी ये कुछ भी कहें, इसका हक किसने दिया है? क्या यहाँ पुलिस नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है? शख्स को बेरहमी से क्यों पीटा जा रहा है? मक्कर का है बना रहा है आगरा में एक हादसे में विदेशी पर्यटक घायल हो गई। ताजमहल के पूर्वी गेट पर पोलैंड की इस महिला पर्यटक को मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर मार दी। इस टक्कर में महिला घायल हो गई और ये पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद है। मथुरा में शराब के नशे में एक युवती ने जमकर हंगामा काटा। ये युवती नशे में धुत हजारीमल सोमानी ग्राउंड के पास खड़ी थी, तभी यहां से उठाकर इसे मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, तो अस्पताल में ही हंगामा काटा। युवती को काबू में पाने के लिए पुलिस वालों के भी पसीने छूट गए।
उन्नाव में भाजपा नेता के जन्मदिन पर हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में एक नेता फायरिंग करता नजर आ रहा है। बताया ये जा रहा है कि फायर कर रहे युवक का नाम पवन तिवारी है और कुछ महीने पहले ही इसे लाइसेंस मिला था। वहीं इस फायरिंग के वीडियो के में बीजेपी नेता आनंद अवस्थी नजर आ रहे हैं। पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि वीडियो अंचलगंज का है नहीं, जाँच की जा रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 39वें दिन की सुनवाई की। आज सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने रामलला के वकील सीएस वैद्यनाथन से कहा कि बुधवार को 45 मिनट बहस कर सकते हैं। इस दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कहा, क्या मोल्डिंग ऑफ रिलीज पर भी कल ही बहस होगी? कोर्ट ने कहा, बुधवार को एक घंटा मुस्लिम पक्षकार जवाब देंगे, चार पक्षकारों को 45-45 मिनट मिलेगा। ऐसे में अब अयोध्या मामले की सुनवाई बुधवार को ही खत्म होने की उम्मीद है और मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर भी कल ही सुनवाई हो सकती है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में रामलला विराजमान के वकील वैद्यनाथन अपनी दलीलें रख रहे थे, तब मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने उन्हें कई बार टोका। हिंदू पक्ष की तरफ से के पारसरन के ने भी बहस की। वैद्यनाथन ने कहा कि इमारत तो मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी, न कि इसे मस्जिद के तौर पर समर्पित किया गया था। जस्टिस बोबड़े ने कहा कि समर्पण तो निष्कर्ष चीज है, क्या उसे सबूत माना जा सकता है? वैद्यनाथन ने कहा, ये तो जस्टिस खान ने भी कही थी, मगर किसी संपत्ति के दो दावेदार इस्तेमाल करने वाले हों तो वक्फ नहीं किया जा सकता। रिलीफ से मतलब ये होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को विशेषाधिकार है इस केस में कोई वैकल्पिक रिलीफ देने का? नहीं, क्योंकि ये केस सीपीसी से गवर्न होता है, जहां पे ओरिजिनल ट्रायल इस मामले का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया था, और बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होता है जहां पे फर्स्ट अपील सुप्रीम कोर्ट के सामने आती है। तो क्या सीपीसी के तहत सेक्शन 151 सीपीसी के तहत या संविधान की धारा 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल राइट्स हैं इस मामले में वैकल्पिक रिलीफ देने के? नहीं, उस लिमिटेड पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट दोनों पार्टीज को सुनना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हिंदू पार्टीज ने सूट नंबर 5 में ये रिलीफ मांगी है कि पूरी जमीन भगवान श्री रामलला विराजमान को दी जाए, तो वहां पे स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, मैनेजमेंट क्या होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार है इस मामले में स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ले डाउन करने का? नहीं, ऐसे एक वैकल्पिक रास्ते सुप्रीम कोर्ट जानना चाहती पार्टी से, क्या उनको संवैधानिक अधिकार है या लीगल अधिकार है ऐसे वैकल्पिक रिलीफ देने का या नहीं। वहीं फैसले से पहले अयोध्या में अभी से हलचल तेज है। एक तरफ राम की नगरी में दीपोत्सव, तो दूसरी तरफ राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट से आने वाले फैसले को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। खुद सूबे के डीजीपी, मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी और प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी अयोध्या पहुंचे, इंतजामों का जायजा लिया, साधु संतों के साथ बैठक कर उनकी दिक्कतों को जाना। डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि सीएम एक संत हैं और इलाके में कानून व्यवस्था ठीक है। अयोध्या में एक बार फिर से योगी सरकार बड़े धूमधाम से दीपोत्सव मनाने जा रही है। ये कार्यक्रम 24 से 26 अक्टूबर तक चलेगा। ऐसे में राम की पौड़ी को भी तैयार किया जा रहा है, यहाँ घाट को सजाया और संवारा जा रहा है। आज मुख्य सचिव आरके तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और डीजीपी ओपी सिंह ने वन के बीच तैयारियों का जायजा लिया। राम की पौड़ी से ज्यादा जानकारी दी हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला ने। अयोध्या में एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अपने अंतिम चरण पर है, तो जल्द फैसला भी आने वाला है।
दूसरी तरफ योगी सरकार दीपोत्सव को धूमधाम से मनाने की तैयारी में जुटी हुई है। इस बार कोशिश है कि 5.5 लाख से ज़्यादा दिए यहाँ राम की पैड़ी पर जलाए जाएँ, एक नया विश्व कीर्तिमान बनाया जाए। हम राम की पैड़ी पर मौजूद हैं, आप देखिए किस तरीके से पूरी राम की पैड़ी को एक नया स्वरूप दिया जा रहा है। हर जगह काम हो रहा है, नए पत्थर लग रहे हैं, नए तरीके से यहाँ पर हम कहें तो बाउंड्री बन रही है, नए तरीके से रेलिंग लग रही हैं, लाइटें नई हैं, बहुत सारा काम अयोध्या में राम की पैड़ी पर योगी सरकार ने किया है। और इस बार 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच जब सरकार दीपोत्सव यहाँ मनाएगी, तब एक राम की पैड़ी का स्वरूप बिल्कुल बदला हुआ होगा। जो यहाँ पर जल यहाँ राम की पैड़ी में रहता था, वो अब उसे सरयू से सीधे कनेक्ट किया गया है, उस पानी को सीधे जोड़ दिया गया है, और अब ये अविरल जलधारा हो जाएगी जिसमें सरयू का जल आएगा और उसे आगे ले जाकर जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि एक बड़ी शिकायत लोगों ने की थी कि यहाँ पर पानी कहीं जाता नहीं है, और पानी में तमाम तरह का हमने देखा जो जल यहाँ था पैड़ी में, वो काफ़ी प्रदूषित हो चुका था। इसलिए ये योजना सरकार ने शुरू की। आप अंदाज़ा लगाइए, जब दीपोत्सव कार्यक्रम होगा इन्हीं घाटों पर, इन्हीं सीढ़ियों पर 5 लाख से ज़्यादा जो दिए हैं वो जगमगाएंगे, टिमटिमाएंगे, और वो जब जगमगाएंगे तो अयोध्या का क्या स्वरूप होगा, अयोध्या का क्या नया नज़ारा होगा, क्या बदली हुई अयोध्या होगी, इसकी आप खुद कल्पना कर सकते हैं। अयोध्या की राम पैड़ी से अपने सहयोगी ऋषि गुप्ता और कैमरा सहयोगी मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। बाबरी मस्जिद के मुद्दे इकबाल अंसारी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगा वो सभी पक्षों को मंजूर होगा। वहीं रामविलास वेदांती के बयान पर इकबाल अंसारी ने कहा कि अगर बाबर के नाम पर जमीन नहीं देंगे तो आखिर किसके नाम पर जमीन देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये पता है कि फैसला उनके पक्ष में आ रहा है तो ये भी जरूर बताएं। अयोध्या में एक तरफ दीपोत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के जल्द आने वाले फैसले का भी सभी को इंतज़ार है। हमारे साथ मुद्दई हैं बाबरी मस्जिद केस के इकबाल अंसारी, उनसे बात करेंगे। इकबाल साहब, एक तरफ दीपोत्सव की तैयारी चल रही है, सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं, धारा 144 लगाई गई, दूसरी तरफ अब सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन की सुनवाई बची है और कहा जा रहा है कि 1 महीने के भीतर फैसला आ जाएगा, तैयार हैं आप लोग? देखिए, त्यौहार तो जो है हमेशा मनाया जाता है, वो मनाया जाएगा, उसमें कोई कमी नहीं होती। उसके लिए माननीय योगी जी भी जो अयोध्या आते हैं, दीपोत्सव जो मनाया जाता है, अयोध्या की तस्वीर बदल जाती है, बड़ा अच्छा लगता है, हमको भी लगता है। और सवाल यहाँ सुरक्षा की है, फैसला भी आने वाला है, ये सब जिम्मेदारी सरकार की बनती है, जो कुछ भी सरकार करती है ठीक करती है। माननीय योगी जी की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। ये लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट फैसला देने जा रहा है अगले महीने में, कल से उसकी फाइल ही बंद हो जाएगी। जो कुछ भी फैसला होगा उसको हम तो जो है, लोग कहते हैं, हिंदू पक्षकार भी कहता है कि हम कोर्ट के पास फैसला मानेंगे, मुसलमान पक्षकार भी कह रहा है कि हम कोर्ट का फैसला मानेंगे। फैसला हो जाए और अमन और चैन के साथ में पूरा देश जो है सुकून के साथ जो है त्यौहार को मनावे, हम तो यही चाहते हैं। लेकिन राजनीति में इतना लंबा खिंचा है, इस बात का जो है हर आदमी को जो है इंतजार जो है अगले की अगले महीने में फैसला आएगा, क्योंकि कई 70 साल हो चुके हैं, फैसला होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, हम भी यही चाहते हैं। तो ये आपने सुना क्या कहना है जो बाबरी मस्जिद के मुद्दई हैं इकबाल अंसारी, हाशिम अंसारी इनके पिताजी, उन्होंने ही ये पूरा मुकदमा शुरू किया था और उनके बाद अब उनके बेटे इस मुकदमे में मुद्दई हैं। लेकिन साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि राजनीति हुई है, 70 सालों से इस मामले पर राजनीति चलती जा रही है और अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि फैसला जल्द आ जाएगा, जो भी फैसला होगा वो मानेंगे। अयोध्या से अपने सहयोगी ऋषि गुप्ता और कैमरा सहयोगी मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। श्री राम जन्मभूमि न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व सांसद राम विलास वेदांती का कहना है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला मंदिर के पक्ष में ही आएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या में बाबर के नाम पर 1 इंच जमीन नहीं दी जाएगी और 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अयोध्या में मंदिर का निर्माण होकर रहेगा। अयोध्या मामले के सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसमें 2 दिन अब सुनवाई और होनी है और कहा जा रहा है कि जल्द इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना देगा। हम अयोध्या में मौजूद हैं, हमारे साथ राम जन्मभूमि न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे।
वेदांती जी, दो दिन और सुनवाई होगी और कहा जा रहा है कि एक महीने के भीतर फैसला आ जाएगा, जो बात आपने पहले कही थी, क्या लग रहा है कि फैसला उसी तरीके का होगा, उसी के आसपास होगा? देखिए, ऐसा है कि अभी तो कल तक सुनवाई है और सुनवाई के बाद लगभग एक महीना लिखने में लगेगा और मुझे विश्वास है कि बुद्धिमान जज लोग, विद्वान जज लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बाबर के नाम पर अयोध्या में कोई चिन्ह नहीं है। बाबर के नाम पर न कोई गली है, न कोई मोहल्ला है, न कोई बाड़ है, न कोई गांव है, न कोई घाट है। जो कुछ भी अयोध्या में है सब राम के नाम पर है। देश की आज़ादी का जब समारोह लाल किला में 2019 का मनाया जा रहा था तो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनेगा। हमको पूर्ण विश्वास है कि 370 धारा समाप्त हुई, 35 से समाप्त हुआ, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा और इसके बाद 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। तो ये आपने सुना, क्या कहना है रामविलास वेदांती जी का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो बातें उन्होंने कही थी, उन्होंने 5 पॉइंट एक एजेंडा बताया था और उसी के आधार पर ये जो हम कहें तो मोदी सरकार है सेकंड, वो उसी तरीके से काम कर रही है। पहले 370 और 35 से हटाया, फिर जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की बात कही और तीसरे नंबर पर राम मंदिर का निर्माण था। और साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि 2022 में जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होंगे तब तक अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो चुका होगा। कैमरा सहयोगी मेहदी हसन और ऋषि गुप्ता के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा।